माइक्रोवेव ओवन, ठीक, इसको घरों में यूज करते हो, देखा भी होगा। ये ड्राई हीट ओवन जिसकी बात कर रहे थे ना, ये ओवन है, ठीक है। इसको ऑन करते हैं, जैसे ये ऑन किया, इसको ऑन कर दिया, ये धीरे धीरे करके हीट होने लगी है, ठीक है। अंदर का पूरा एरिया जो है हीट हो जाता है, ये बॉडी हीट रेजिस्टेंट होती है, अंदर ही हीट होता है, बाहर की तरफ हीट नहीं होता है। ये जो है दिस इज पेट्री डिश, इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट पेट्री ने की थी। ये नीचे वाला पोर्शन है, ये इसको ढकने के लिए, ठीक, इसके लिड है और ये मेन इसके हम लोग जो मटेरियल होता है इसको डालते हैं। इसके बाद ऐसे ढक करके और जो बैक्टीरिया होगा उसको डाल के वहाँ एक वो इंस्ट्रूमेंट है जो बताते हैं उसके बारे में। ये ओवन है, इसके बारे में लिखिएगा, पढ़िएगा। ये जो इंस्ट्रूमेंट है दिस इज लैमिनर एयर फ्लो, अभी जिक्र किया था लैमिनर एयर फ्लो का, जैसे कांस्टेंट स्पीड से एयर फ्लो करती है। तो वहाँ फैन लगा होता है नीचे, देखिए फिल्टर लगा हुआ है, वहाँ भी हेपा फिल्टर लगा है ताकि एयर फिल्टर होकर एंटर करे, यहाँ भी हेपा फिल्टर लगा हुआ है, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट जो वो होता है फिल्टर्स होते हैं, एयर फिल्टर्स होते हैं, वो लगे हुए होते हैं। तो इससे जब एयर ऐसे अंदर की तरफ आएगी तो कोई फंगस या बैक्टीरिया एंटर नहीं करेगा, है ना। जैसे मैंने फैन चलाया, ये नॉर्मल ट्यूबलाइट जलती है और उसके बाद सबसे पहले क्या करते हैं, इसको करीब बंद करके आधे घंटे 45 मिनट के लिए यूवी लाइट जला के छोड़ देते हैं, ठीक। यूवी लाइट जला देंगे तो ये पूरा चैम्बर जो है स्टरलाइज हो जाता है, ठीक। उसके बाद यूवी लाइट बंद करते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं और फिर इसको सैनिटाइज करते हैं अल्कोहल से, 70% 90% अल्कोहल का यूज़ करके इसको पूरा अच्छे से स्टरलाइज करते हैं सरफेस को। उसके बाद फिर जो हमको, हाँ चलो बैठो, जो माइक्रोबायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स करने होते हैं या जो भी करना होता है वो इसी कैबिनेट के अंदर करते हैं। ये जो नॉब लगी हुई है यहाँ से गैस जुड़ी होती है, ठीक, यहाँ से गैस जलाते हैं हम लोग, गैस को जोड़ते हैं, फिर कनेक्शन जोड़ते हैं उसका और उससे स्टरलाइजेशन किया जाता है निडिल का, जिससे इनोकुलेट कराते हैं, ठीक। स्मॉल अमाउंट में हम कोई भी बैक्टीरिया को लेते हैं इनोकुलेट कराने के लिए, बैक्टीरिया में फंगस हो तो वो निडिल यूज होती है, निडिल भी हम आपको दिखाएंगे इनोकुलेशन निडिल कैसी होती है, ठीक है। तो ये लैमिनर एयर फ्लो है, ये इंक्यूबेटर, ठीक, ये देखिए जैसे आपको बताया था फ्रिज की तरह होता है, ये देखो ये लैमिनर, ये इंक्यूबेटर है, वहाँ पे जो प्रोसेस करते हैं बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं या बैक्टीरिया को इनोकुलेट कराते हैं, तो यहाँ पे ग्रो कराने के लिए इसको डालते हैं, क्योंकि 24 घंटे 30 घंटे 35 घंटे का समय चाहिए होता है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। फंगस 2-3 दिन में ग्रो करता है, रिस्पॉन्स देता है, तो 2-3 दिन ऐसे आप रख देंगे तो ड्राई कर जाएंगे आपकी पेट्री डिश। तो यहाँ पे इसके अंदर ये देखिए अलमारियाँ बनी हुई हैं, इन्हीं अलमारियों पे इसको रखते हैं हम, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, तो इस पर रख देते हैं, छोड़ देते हैं जितने समय के लिए चाहिए होता है, बंद कर देते हैं। इसका मेन काम ये होता है कि ये मॉइस्चर एयर टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक, ये जब तक देखिए करेगा जब तक कि टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, ठीक है। और ये ऑटोक्लेव, जो प्रेशर कुकर की तरह बात कर रहे थे हम, ये प्रेशर कुकर की तरह ये फंक्शन करता है, ये विसल है इसकी, जैसे विसल वहाँ पे लगाता है, ये विसल है, ये प्रेशर बताता है, सेफ्टी वॉल्व्स हैं दोनों, है ना, ये भी सेफ्टी वॉल्व है, ये भी सेफ्टी वॉल्व है। तो जैसे हमारा वो वाला काम करता है उसी तरह से ये भी काम करता है, ये देखिए ये पूरा चैम्बर है, इसी में हम लोग
ग्लासवेयर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों को देखो, कुछ चीज़ें जैसे ग्लासवेयर्स वहाँ से स्टरलाइज हो गई, ठीक है, उसमें हम लोग ग्लासवेयर्स को स्टरलाइज कर ले जाते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम लोगों को स्टीम स्टरलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। स्टीम स्टरलाइजेशन किसकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हमने मीडियम बनाया, ठीक है, मीडियम जो बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए मीडियम बनाते हैं वो लिक्विड बताए, तो लिक्विड तो वहाँ हम लोग करेंगे नहीं, बॉयल हो जाएगा या कुछ गिर जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टीम स्टरलाइजेशन किया जाता है उसका। स्टीम स्टरलाइजेशन इसलिए करते हैं ताकि जो है कोई मान लीजिए स्पोर्स हो फंगस का या बैक्टीरिया का, तो वो ख़त्म हो जाए वहीं पर, जिससे कंटामिनेशन ना हो और हमारा जो मीडियम है वो एकदम फ्री हो बैक्टीरिया फंगस और वायरस से, ठीक। तो यहाँ पे स्टीम स्टरलाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको स्टीम स्टरलाइजेशन किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग ड्राई हीट स्टरलाइज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम लोग फिल्टर करते हैं, ठीक। जैसे आपको पहले बताया था मैंने, मान लीजिए विटामिन आपको ऐड करना है या हार्मोन ऐड करना है, तो उसको आप हीट या ये स्टीम स्टरलाइज नहीं कर सकते, डिनेचर हो जाता है, उसको हम लोग फिल्टर करते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, इनको आप कॉपी में लिखिएगा। एक दो चीज़ और हैं, उसको बाहर दिखा देते हैं।